नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी भोपाल के थाना अयोध्या नगर में फरियादी द्वारा शिकायत प्राप्त हुई, शराब की दुकान से मेरी गाड़ी चोरी कर लेकर गए। फरियादी की शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश हेतु टीम रवाना कर आरोपी की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर गाड़ी चोरी की। आरोपी गाड़ी चोरी कर सस्ते दामों पर बेचते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। इसी बीच हम लोग गाड़ी बेचने के लिए अयोध्या नगर पर खड़े थे, तभी पुलिस को शक होने पर पूछताछ करने लगे और हमें पकड़ लिया गया और थाने लाकर पूछताछ की गई। इसी प्रकार आरोपी से 4 मोटरसाइकिल पकड़ी गई, जिसमें 3 मोटरसाइकिल रायसेन से चोरी करना और 1 बाइक अयोध्या शराब की दुकान से चोरी करना कबूला गया। सर, थाना अयोध्या नगर द्वारा सर 2 वाहन चोर को सर गिरफ्तार किया है, सर क्या था पूरा मामला, किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे? अभी क्या 17 फरवरी को करण सिंह अहिरवार जी है, इन्होंने थाने आकर रिपोर्ट किया कि शराब दुकान के सामने से इनकी बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल कोई अज्ञात चोर चोरी कर लेकर गया है। ये वाहन चोरी के संबंध में हमने पहले से एक टीम बनाई हुई थी जो वाहन चोरी को डिटेक्ट करने के लिए साइबर की मदद से कार्रवाई कर रही थी। इसी तारतम्य में हमें एक संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली, जिसे हमने राउंड अप किया और पुलिस पूछताछ में उससे अपन ने चोरी के प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसने ये वक्त बजाज सिटी 100 वाहन चोरी करना स्वीकार किया। इसमें क्या हुआ कि उसने ये बताया कि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हम लोग ये वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और जब आरोपी के दोस्त को भी राउंड अप किया तो उसने भी यही घटना स्वीकार करी। इन दोनों आरोपियों से हमने हमारे प्रकरण की एक बजाज सिटी 100 और गैरतगंज थाना जिला रायसेन के 3 प्रकरणों की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद करने में सफलता अर्जित की। सर, आरोपी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे करते हैं सर, और उसको क्या करते हैं सर, उसका चोरी करने के बाद में, या किसी खरीदार को बेचते थे वो, कुछ कोई मिला आगे? ये आरोपी दरअसल क्या है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये वाहन चोरी करते थे और इसको सस्ते दामों में कहीं भी बेचकर अपना दैनिक खर्च में उसको लेते थे।